मेहमान परिंदों से गुलजार हो रही हस्तिनापुर सेंचुरी, झीलों में अटखेलियां करते दिख रहे हैं प्रवासी पक्षी। ठंडे देशों से प्रवासी पक्षियों की आमद से हस्तिनापुर सेंचुरी गुलजार है। करीब 2073 वर्ग किलोमीटर में फैली हस्तिनापुर सेंचुरी मेहमान परिंदों के लिए संजीवनी मानी जाती है। यहाँ की दलदली झीलें प्रवासी पक्षियों को खूब लुभाती है। रूस, अफ्रीका, जापान, साइबेरिया, कजाकिस्तान, चीन, भूटान आदि देशों में सर्दी के मौसम में बर्फबारी होने से पक्षी प्रवास पर निकल पड़ते हैं। करीब 4 महीने ये मेहमान परिंदे हस्तिनापुर में रहते हैं और यहाँ प्रजनन कर अपना कुनबा बढ़ाते हैं। हस्तिनापुर सेंचुरी में करीब 10 स्थान है जहाँ एशिया व यूरोप के साथ अमेरिका महाद्वीपों के भी पक्षी पहुँचते हैं। इनके पहुंचते ही हस्तिनापुर सेंचुरी में कलरव गुजरी लगता है। वन विभाग के रेंजर नवरतन सिंह ने बताया कि नवंबर के अंत तक हस्तिनापुर में प्रवासी पक्षियों की संख्या और बढ़ेगी। वन विभाग इनकी सुरक्षा के लिए सतर्क है। ठंड के दस्तक देते ही हस्तिनापुर वन्य जीव विहार विदेशी पक्षियों से गुलजार होने लगा है। यहाँ का अनुकूल मौसम और प्राकृतिक वातावरण 25 से 30 हजार किलोमीटर दूर से इन पक्षियों को आने के लिए मजबूर कर देता है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भी इनको आने से नहीं रोक पाती। नवंबर के बाद रूस और चीन में अधिक ठंड हो जाने से ये पक्षी कुछ महीने प्रवास के लिए भारत आते हैं। इनके आने से सेंचुरी का प्राकृतिक सौंदर्य और भी अनुपम होने लगता है। हस्तिनापुर सेंचुरी की झीलों में इन पक्षियों को आसानी से देखा जा सकता है। सुबह 8 बजते ही सेंचुरी विदेशी मेहमानों के कलरव से गूंज उठती है। हजारों मील दूर से आने वाले मेहमान परिंदे इस दलदली क्षेत्र को खास पसंद करते हैं। यहाँ के अनुकूल मौसम में वे प्रजनन करते हैं।